स्वयं जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने बेड़ा दर में भी पड़ाव डालकर जन समस्या को उठाया, उन जन समस्या को उठाने से आपका कार्य कितने प्रतिशत तक हुआ? प्रतिशत तो साहब इतना हमने प्रयास किया, पड़ाव डाला इन लोगों को, भूखे प्यासे लेके मैं सड़कों पे उतरा, पड़ाव डाल दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चला तो पुनः भी हमने आगे लड़ाई लड़ी और उन गांवों में आज जहां पे कांग्रेस के नेता ने कह दिया कि भले मेरे को वोट मत देना, अर्जुन लाल ये रघुवर मीणा सांसद ने मेरे को वोट मत देना, लेकिन मैं इस जंगल में लाइट नहीं पहुंचा सकूंगा, लेकिन हमने इस जनता का सहयोग लिया और आज बेड़ादर जैसी ग्राम पंचायतों में वन विभाग में आ रहा है, आज बेड़ादर में वहां लाइट है, उन घरों में मतलब उजाला हो रहा है, लट्टू जल रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी हो गई कि हमारे एक हमारा यहाँ का एक ग्रामीण का बच्चा विद्यार्थी वो पढ़ेगा, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उन लोगों को खुशी है, लेकिन मेरे को भी इतनी खुशी मिल रही है कि मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकता हूं। जैसा कि आपने वहां पर बेड़ादर में पड़ाव डाला, उसके बाद में आपने कोटड़ा में भी 28 घंटे तक आप उपखंड कार्यालय का घेराव किया, इससे आपको कैसा महसूस हुआ? सर, मेरा मिशन बेड़ादर ही नहीं था, मैं चाहता कि एक जगह एक कड़ी ले लूं, छोटे से गांव से मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूं कि मैं कोटड़ा जैसे झाड़ोल जैसे लोगों का साथ ले सकूं, तो मैंने एक शुरुआत की थी बेड़ादर से, तो और बेड़ादर में मुझे को जीत हासिल हुई तो मैंने पूरे कोटड़ा तहसील के लोगों को लेके मैं एक पड़ाव डाल दिया था यहाँ पे कोटड़ा एसडीएम के कार्यालय में, तो हमारी 28 घंटे तक किसी ने सुनवाई नहीं की और आखिर में इनको सरकार को झुकना पड़ा, एसडीएम हमारे जमीन पे आके धरातल हम जहां बैठे वहां आके एसडीएम बैठ गया और हमको आश्वासन दे दिया कि आपका 10 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन 10 दिन इंतजार करने के बाद में भी हमारा कोई काम नहीं हुआ, पुनः हम लोग सारे एसडीएम कार्यालय वापस मिले, तहसीलदार को मिले, तहसीलदार भणाराम मीणा को मिले, उन्होंने कह दिया कि साहब हमें 3 दिन में काम चालू करवा दो, और इसका नतीजा ये कि हमारे से ये प्रशासन डरना पड़ा और आखिर में उन्होंने 3 दिन में ही बेड़ादर की रोड बना के दे दी इन्होंने, और लाइट भी अभी प्रोग्रेस पे है, बहुत चल रही है, वो किसी कांग्रेस और बीजेपी की देन नहीं है, ये कोई यहाँ के एमएलए और एमपी की देन नहीं है कि वो जो लाइटें हो रही है वो उनकी देन नहीं है, ये हमारे लोगों का संघर्ष की देन है। आपके संघर्ष की वजह से आज आपके गांव में रोड लाइट लाइट है, सड़क है और पानी की सुविधा, आपके इस क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा को लेकर क्या कहना है आपको? चिकित्सा की सुविधा के लेके तो मैं क्या गांवों की तो अंदाजा नहीं लगा सकते हो, लेकिन आज कोटड़ा जैसे मुख्यालय पे आज एक भी डॉक्टर नहीं, एक्सरे मशीन 2-3 हजार की कितने की मशीन आती है वो भी खराब पड़ी है और एक्सरे के लिए यहाँ पे उदयपुर भेजते हैं, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकती है व्यवस्था, तो ये तो हमारा गुजरात ही एक सहारा है कि गुजरात के अलावा हमें कोई दूसरा सहारा नहीं है कि लोग कहाँ जाएं, उदयपुर के लिए हमें वो दूरी पड़ती है, रास्ते देखो इतने खराब हैं कि लोग जाते जाते मर रहे हैं, तो चिकित्सा सुविधा तो यहाँ पे शून्य के बराबर है मैं तो मानता हूं। अब आप यहाँ के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से क्या आपके पास कार्य योजना है कि आप कोटड़ा और झाड़ोल क्षेत्र में क्या विकास करवा पाएंगे? मैं मेरे को विकास के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरी टीम पूरी लड़ रही है, झाड़ोल कोटड़ा फलासे जैसे बाहुल्य क्षेत्र में सबसे पहले हम रोडों का सुधारा करेंगे, गांव ढाणी में सड़कें निकलना का काम करेंगे और अस्पतालों में डॉक्टरों को भर्ती करवाएंगे, एनएमओ की भर्ती करवाएंगे और अध्यापकों की आज हालत खराब है, वहां हर स्कूल में अध्यापक रहेगा और देवड़ा से मामेर रोड मेगा हाईवे करवाने का पहला हमारे प्रमुखता रहेगी कि लोग आज आने जाने में तहसील मुख्यालय है पर वहां इतने उबड़ खाबड़ रोड है उसको हम मेगा हाईवे का रूप देंगे और मैं करवाऊंगा, मेरे वैसे नहीं होगा तो मैं लोगों को लेकर सड़कों पर उतरूंगा तो भी मेगा हाईवे रोड करवाऊंगा और झाड़ोल की स्थिति भी यही है और झाड़ोल के लिए भी मैं लड़ूंगा, यह मेरा प्रमुखता से यह है कि मैं मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई में लड़ूंगा और लड़ता आया हूं। और हमारी एक मुख्य मांग है यहाँ की लाइट की, आज कोटड़ा जैसे इलाके में
मतलब एक दो घंटे के अलावा हमें लाइट नहीं मिलती है। तो पहली प्रमुखता से हमारी प्रमुख मांग है एक तो 132 केवी पावर हाउस का निर्माण करवाना है कि करवाएंगे नहीं है, करवाएंगे हम। और लोगों को हर गांव में जहां लाइटों से वंचित हो उनको हर घर में लाइट पहुंचाने का भी काम करेंगे। और 132 केवी तो हमें किसी भी हालत में कोरडा में लगवानी है, ये प्रमुखता से हमारा यहाँ पे एक हमारी मांग है। और हम मांग के लिए हम इसको लिए भी लड़ेंगे। हम कोड़ा और झाड़ोल क्षेत्र के लिए विशेष और क्या योजना है? विशेष योजना यहाँ के यहाँ से रोजगार के साधन बहुत कम है, मतलब युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके लिए मैं प्रमुखता से यहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में कोड़ा जैसा इलाका है तो पर्यटक रूप में देखना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले, ये हमारी बहुत आशा है हमारे कि यार इन बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो इससे क्या अच्छा है, मतलब पर्यटक के रूप में कोटड़ा झाड़ोल में आप देखो तो सबसे इससे स्थान दूसरा कहीं नहीं हो सकता है। और हमारे विशेष मांग खास हमारे इन लोगों की मांग है कोटड़ा और झाड़ोल में नगर पालिका व्यवस्था करवानी है कि सारे लोग में मांग रखते हैं, इससे हमारे और भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ये हमारे पूरी दमखम के साथ में इनके लिए मांग उठाएंगे। धन्यवाद सोहन जी।